गुप्ता, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की मेरी नई रेसिपी है कांदा पोहा। और जिसने मुझे लाइक नहीं किया, लाइक जरूर मुझे करना। अब हम स्टार्ट करते हैं कांदा पोहा बनाने। ये पोहा है, इसे दो बार अच्छे पानी से धो लिया है। इधर कांदा है, दो काटे हुए कांदे, कड़ी पत्ता है, मिर्ची है, धनिया है, ये सेंग दाना है, राई है, ऑयल है, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी। हम गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन हो गया है। अब हम इसमें कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाएगा तो हम पहले इसमें सेंग दाना ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हम सेंग दाना डालेंगे। अच्छी तरह से सेंग हम लाल करेंगे इसमें। सेंग दाना लाल हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई। अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, मिर्ची, फिर हम कांदा डालेंगे। कांदा थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर हम हल्दी डालेंगे इसमें। हमें हो चुका है कांदा, अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा पोहा। अब हम ऐड करते हैं इसमें पोहा। अब हम अच्छी तरह से पोहा को मिला लेंगे। हमारा कांदा पोहा अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा धनिया। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा पोहा रेडी हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे बाउल में निकाल देंगे। अब हम बाउल में पोहा निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पोहा कितना अच्छा बना हुआ है। आप भी घर पे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है पोहा बनाने में। आज की मेरी कांदा पोहा की अगर रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी तो आप सब मुझे लाइक करिएगा जरूर। और ऐसे ही मैं नई नई रेसिपी आप सबके लिए लेके आऊंगी। मैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी लेके आऊंगी मैं। जब तक के लिए बाय बाय।